बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग पे तो गैज आज की मॉर्निंग का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कि मैं पहले अपने पौधों से बात करती हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी बात करवाती हूँ तो ये जब पौधे ताजे ताजे हरे हरे और लाल मतलब रंगीन फूल जब खिले रहते हैं तो देख के बहुत अच्छा लगता है तो बस यहीं से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन दबाने में कोई मेहनत भी नहीं लगता है गाइज और ना ही मतलब कोई चार्ज लगता है तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो फिर हमारे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वैसे मैं सच बता दूं कि कल के ब्लॉग में अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो उन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कल ये बताया था कि हाँ कल का दिन मेरा काफ़ी आलस भरा था मैं कुछ काम अधिक नहीं कर पाई थी काफ़ी टाइम मेरा बर्बाद गया था मैं मतलब जो काम मुझे करना था वो भी मैं नहीं कर पाई मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी तो उसका उसका खामियाजा मुझे आज भरना पड़ा मतलब कि कहने का मतलब आज इतना अधिक काम हो गया था कि हम बता नहीं सकते हैं और अभी इस समय बज रहे हैं सुबह के साढ़े छः छः बजे तक मैं ऊपर आ गई थी और इस समय हमने लगा दिया है वॉशिंग मशीन भी क्योंकि मुझे लगा कि अभी थोड़ा टाइम है और इतनी जल्दी मैं नाश्ता वगैरह भी नहीं कुछ बनाऊंगी तो नहाने से पहले मैंने लगा दिया था वॉशिंग मशीन और कुछ कपड़े जो हो गए थे इकट्ठे उन कपड़ों को भी मैं धुलती जाऊँगी और ऊपर का जो काम रहता है मतलब साफ सफ़ाई या और भी जो सामान देखना उखना रहता है तो उन्हें मैं सारा हटा दूँगी और हटाती भी जाऊँगी रखती भी जाऊँगी और साथ साथ कपड़े भी मैं फैला और धुलती चली जाऊंगी तो ये सारा काम करते करते मुझे डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं डेढ़ दो घंटे बाद मैं नहा करके नीचे जाती हूँ क्योंकि ऊपर का ही काम मौसम इतना अच्छा था और तो कि ऊपर ही काम करने में बहुत आनंद आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था मौसम गैस आप लोग भी अभी देख पा रहे होंगे कि इस टाइम भी मौसम बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुहाना मौसम है धूप नहीं निकला है और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे काम करते वक्त मतलब उलझन या गर्मी नहीं लग रहा है क्योंकि अब गर्मी के मौसम में ये भी देखना रहता है और गैज ये जो मैं कपड़े ऊपर डंडे से फैला रही हूँ फैला क्या रही हूँ मतलब उधर खिसका रही हूँ क्योंकि ये वाली अर्गनी बहुत ऊँची है और मेरी लंबाई कुछ कम है तो इस वजह से मैं थोड़ा डंडे का सहारा लेके वहाँ तक ले जा रही हूँ और वहाँ बीच में गमले भी रखे हुए हैं ना तो मेरे पौधों को नुकसान ना हो तो इस वजह से मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ क्योंकि बार बार जब किसी से बार बार हेल्प तो मिल नहीं सकता है और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि छोटे वाले बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और बड़ा वाला बेटा भी थोड़ा अपने एग्ज़ाम का प्रिपेशन कर रहा है तो उसको थोड़ा सोने और उठने में उसका मतलब टाइम ही बिल्कुल अलग हो गया है बिल्कुल चेंज हो गया है तो अभी मैं अकेले ही ऊपर छत पर हूँ और सारे कपड़े फैलाने के बाद मैं मतलब ऊपर का जो क्लीनिंग वगैरह है वो सारा मैंने ख़त्म कर लिया था तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ सीधे शाम में शाम में यानी इस समय बज रहे हैं दोपहर शाम के चार और चार बजे अभी मतलब खाना वगैरह दोपहर का हो चुका है लंच वगैरह तो अभी मैं किचन क्लीन करने जा रही थी तो मैंने कहा कि किचन क्लीन करने से पहले मैं अपने मनी प्लांट को एक बार देख लेती हूँ क्योंकि मनी प्लांट को ना बार बार स्प्रे करके पानी देना पड़ता है एक्चुअली मैं इसमें अगर पानी अधिक पड़ जाता है तो फिर आ, मनी प्लांट ख़राब भी होने लगता है और जिसका ग्रोथ भी रुक जाता है और जो मतलब गर्मियों में जो धूल और मिट्टी वगैरह जो उड़ता उठ, है ना तो वो भी आके पत्ते पे बैठ जाता है तो इससे होता क्या है कि पत्ते कमजोर होकर पीले पड़ने लगते हैं या हिम्मत होके जैसे सड़ने लगते हैं तो इसलिए समय समय पे इनको भी देखना जरूरी होता है वैसे मैं मैं यकीन मानिए इस जो हमारे किचन में जो विंडो बना हुआ है उस विंडो की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है तो बस ऐसे ही मैं यहाँ रख देती हूँ मनी प्लांट को और ये हमारे हस्बैंड और मेरा बेटा मतलब ये आ, सोल्डिंग आयरन इसको कहते हैं तो वो जो फेरी लाइट हमने किचन में लगाया ना तो वो मतलब जल नहीं रहा है मेरा तो मैं उसे ट्राई कर रही थी तो उसका तार टूट गया था तो बस वही वे लोग बना रहे थे तो अभी शाम में इस समय साढ़े पाँच बज रहे हैं साढ़े पाँच बजे मैं ऊपर आ गई हूँ और सारे कपड़े सूख भी चुके हैं और इसमें से कुछ कपड़े मुझे नीचे ले जाने हैं और कुछ ऊपर वाले रूम में ही मैं रखूँगी तो मेरे हस्बैंड यहाँ आए हुए थे तो मैंने कहा कि आप इस नीचे चल रहे हैं तो आप इसको लेकर चाहिएगा मेरा एक काम हल्का हो जाएगा क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने पौधों को थोड़ा खाद वग़ैरह दे दो काफ़ी टाइम से हमने दिया नहीं है और वैसे भी आप लोगों को पहले ही से ही मैंने बता रखा है और पहले भी मैं आप लोगों ने देखा ही होगा मतलब जो लोग पुराने हैं वो देखे ही होंगे कि जब ऊपर वाला रूम बन रहा था तो गमले सारे मेरे कितने ख़राब हो चुके थे तो उसके पहले मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन आप देख रहे होंगे कि सुबह जब हम कपड़े धुल के गए थे ना तो फिर इनको हमने बंद करके रखा नहीं था मतलब कवर हमने नहीं किया था क्योंकि वो यहाँ पे अगर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो फिर आराम से ये इसका जो इसके अंदर जो पानी वगैरह रहता है वो खूब अच्छे से सूख जाता है होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ये सूख जाएगा ना तो अंदर जो मतलब जो लोहे के पुर्जे वगैरह हैं जो पार्ट्स हैं तो वो जल्दी जंग नहीं खाएंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगे तो अब वॉशिंग मशीन को इस तरीके से कवर कर दे रही हूँ क्योंकि बिना कवर के ऊपर रखना मुश्किल है क्योंकि बहुत अधिक डस्ट वगैरह उड़ के आ रहा है और गर्मी गर्मियों में तो गाइज आप सभी जानते ही हैं कि इतना अधिक ज मतलब धूल उड़ता है हवा भी हल्का भी हवा चलता है तो काफ़ी धूल वगैरह उड़ता है और इस कवर को लगाने से फ़ायदा ये रहता है ना कि कभी धूल इसमें उड़ के मतलब बैठता नहीं है गंदा नहीं होता है वैसे वॉशिंग मशीन का इस कवर को मैंने अपने हाथों से ही बनाया है इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है आ... मैं इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग वहाँ चाहें तो चेक कर सकते हैं वहाँ विजिट करके वहाँ जा सकते हैं और ये मैंने पुराने पर्दे के कपड़े से बनाया था तो ये पर्दा मेरे यूज में नहीं आ रहा था तो बस इसी को हमने इसका प, कवर बना लिया है तो अभी मैं दोबारा से आ गई हूँ छत पर जो शाम में जो मेरे रूम का जो काम वगैरह करना रहता है वो सारा मैंने कर लिया है और इसके पहले एक मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोगों को बताया था दिखाया भी था शेयर किया था मैंने आप लोगों से तो ये वाला भी जो बाल्टी में रखा हुआ है ये भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको भी मुझे पौधे में देना है एक्चुअली मेरे गुड़हल में थोड़ा कम फूल आ रहा है इस टाइम पर तो मुझे थोड़ा सा सैड फील हो रहा था कि मैं कैसे करके अपने गुड़हल के पौधों को और थोड़ा सा मतलब क्टॉनिक वगैरह दूँ तो बस वही मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ तो इसे हम तकरीबन छः महीने से हम यहाँ पे इसी बाल्टी में रखे हुए हैं तो ये इसमें आप देख सकते होंगे कि ये काव का डंक है मतलब टकाव डक है ये एक्चुअली में ये गोबर है तो गोबर को अलग से सूखवा करके उसका सूखा खाद बना करके देना मुझे थोड़ा हार्ड लगता है ये मुझसे हो नहीं पाता है तो इसलिए मैं लिक्विड खाद ही यानी लिक्विड फर्टिलाइजर ही बना देती हूँ तो इसको पहले जो नीचे मतलब बैठा हुआ है ना उसको हम पहले हिला लेंगे खूब अच्छे से हिला के मतलब डंडे की सहायता से ही ऐसे हिला लेंगे क्योंकि बाल्टी बहुत बड़ी है तो मुझे थोड़ा द, बड़ा डंडा ही चाहिए था तो अब इसको हिला लेंगे तो फिर चलिए हम अपने लिक्विड फर्टिलाइजर को थोड़ा बहुत पौधों में दे देते हैं उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक डिब्बे की सहायता से खूब अच्छे से ऊपर नीचे कर कर के हम मिला लेंगे इस तरीके से जैसे कि खाद जो है लिक्विड जो है इसका खूब मतलब इक्वली खूब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बस एक से डेढ़ मगमहन ने लिया है लिक्विड खाद ये वाला और फिर उसके बाद इसमें हम पूरा डालेंगे पानी सादा पानी है ये तो अब थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही हम अपने गमलों में देंगे क्योंकि गमले हमारे छोटे हैं बहुत बड़े बड़े गमले नहीं हैं तो बस ये वाला जो छोटा वाला गमला है ना तो मेरे समझ से शायद इसमें आधा लीटर या ढाई सौ ग्राम ऐसे आता होगा मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट मैं थोड़ा थोड़ा ही करके इसमें दूंगी क्योंकि ये जो खाद वगैरह है कुछ अधिक अगर पड़ जाता है तो उससे भी हमारे पौधे जलने लगते हैं या खराब हो जाते हैं तो फूल अच्छे से नहीं आता या तो फिर देता है फूल लेकिन पौधों की लाइफ खराब हो जाती है और ये जितने भी गुड़हल के पौधे हैं हमारे पास गुड़हल केला या तुलसी जी मतलब जो भी हैं अपराजिता वगैरह ये मेरे पास काफ़ी पुराने पौधे हैं मतलब एक बार शायद अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो शायद पाँच या छः साल पुराने होंगे ही होंगे तो इन इन पौधों को मैं इसी तरीके से जीवित रखती हूं और पौधों को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उनको इस तरीके से खाद वग़ैरह दिया जाए और गर्मियों में तो जरूरी हो जाता है कि लिक्विड खाद ही दिया जाए तो गैस अभी मैं पौधों का केयर मतलब देने के बाद अब मेरे पास कुछ दो चार छोटे छोटे गमले पड़े हुए थे तो बस उसमें मैं ये मिट्टी भर दूँगी जो पहले आप लोगों ने पहले का ब्लॉग देखा होगा जो ऊपर का रूम मेरा बना बनने से पहले देखा होगा कि एक बड़े से ख़राब फ्रीज के डिब्बे में मैंने रख रखा था जो खाद हमने बनाया था इकट्ठा करके तो बस वो वही वाला सोइल है ये, ये इसमें मिट्टी भी मिला हुआ है तो इसको अलग अलग गमलों में हम भर देंगे और मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ मैं मनी प्लांट लगाती हूँ और गर्मी की वजह से पूरी तरीके से सूख गया है तो इसमें मैं पहले भर दूँगी और भरने के बाद फिर उसमें हम प्लेन वाटर डाल देंगे मतलब सिंपल सा पानी हम डाल देंगे जिससे कि ये मिट्टी खूब अच्छे से तैयार हो जाए फिर मैं देखती हूँ कि इन गमलों में मुझे क्या लगाना है वैसे मेरा मन है कि इसमें मनी प्लांट ही मैं लगाऊंगी क्योंकि मनी प्लांट का प्लांट मुझे बहुत पसंद है और खासकर तब बहुत अच्छा लगता है जब उसका ग्रोथ अच्छे से चलता है तो यहाँ पे आप देखिएगा ये सारे गमलों को मैंने रख दिया है अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी तो क्या इतना करने के बाद फिर मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलती हुई बस अब ऊपर का छत का काम मेरा ख़त्म हो चुका है खाद वगैरह भी मैंने दे दिया है गमले में अब मैं इस सारे गमलों में थोड़ा सादा पानी डाल रही हूँ क्योंकि जो बड़े गमले हैं जो थोड़ा हैवी प्लांट है उनमें सादे पानी की भी जरूरत है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है तो इस वजह से पानी भी बराबर मात्रा में होना चाहिए क्योंकि इन गर्मी के मौसमों में अगर हम पानी कम देंगे तो फिर दिक्कत बहुत अधिक आ जाती है तब सारे पौधे जलने लगते हैं और पौधों में पानी देने के साथ साथ मैं इस तरीके से स्प्रे बॉटल से स्प्रे भी कर देती हूँ जिससे पत्तियों को भी पूरा पानी और पोषण मिलता रहे तो आज का रूटीन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा गाइज आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है और इंतज़ार रहता है मुझे आप लोगों के लाइक और शेयर का तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग में अंत तक बने मे रहते होंगे मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते होंगे और जो प्लांट लवर हैं तो शायद आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए बहुत मतलब अच्छा होगा उन्हें पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो प्लांट से बहुत प्रेम है और बहुत पसंद है मुझे मतलब प्लांटिंग करना या पौधों के साथ मिलजुल के बातें करना या पौधों को केयर करना तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था गाइज मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर